क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी। उसमें हम लोगों ने फैराडे के हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया था और इस तरह से हमने ये पता लगाया था कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², ये एक वेक्टर होता है। फिर हमने ये देखा था कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगता है। तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस नए चार्ज पर फोर्स लगाता है। इस तरीके से दो चार्ज आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना करके देखे थे और तब हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम लोग उसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा चुनते हैं, उस पे छोटा सा चार्ज निकालते हैं dq और उस dq के चलते फील्ड लिखते हैं dE और फिर बाद में उस dE को suitable तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने ये पहले प्लान किया था कि हम लोग कुछ suitable, कुछ खास और कुछ पॉपुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उस डेरिवेशन को देखेंगे। आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे इसमें जो कि आपको हो सकता है कि आपके भविष्य में काम आए। तो सबसे पहले आज हम लोग निकालेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब है कि यहां पर एक चार्ज है जो कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये एक तार पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर है, बहुत लंबा है, ना इधर इसका छोर पता चल रहा है ना इसका छोर यहाँ पे पता चल रहा है। तो हमारा कहना है कि इसमें लाइन चार्ज पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपको पहले बताया था लैम्डा किसको कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जब आप इस लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसी छोटे डिस्टेंस से यानी dx से गुणा करेंगे तो वो जो लैम्डा dx आएगा वो उस जगह का चार्ज होगा, उस dx लेंथ में आने वाला चार्ज होगा। तो चलिए हम लोग इस इंफॉर्मेशन की मदद से इसके इस वायर से r दूरी पर किसी पॉइंट पर फील्ड निकाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग KQ/r² का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि KQ/r² इज द फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े और देखें। चलिए सबसे पहले इसमें से हमें एक छोटा सा टुकड़ा निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे x डिस्टेंस इधर जाते हैं और यहाँ पे हम छोटा सा टुकड़ा चुनते हैं जिस टुकड़े की साइज है dx। जैसे ही हम यहाँ पे टुकड़ा चुनते हैं तो इस टुकड़े पे छोटा सा चार्ज है, कितना होगा, लैम्डा dx। ध्यान दीजिए dx साइज है, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे चार्ज हो गया लैम्डा dx। अब इसी लैम्डा dx का पहले फील्ड निकालेंगे और बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए लैम्डा dx का फील्ड निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है dE और इस dE का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 q लैम्डा dx by r स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगी मेरे ख्याल से। मान लीजिए इसको z कहेंगे तो z स्क्वायर कितना लिखेंगे आप, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि हमने ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या गड़बड़ है, यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट हैं और इन सारे एलिमेंटों के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो अलग अलग होंगे ना। तो याद रखिए कि जब डायरेक्शन अलग अलग हो गए तो हम उनको कैलकुलस में इंटीग्रेट करके पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम लोग एक खास तरीका लेंगे जिसमें वो dE के दो टुकड़े तोड़ लेंगे, दो कंपोनेंट। इसको अगर हम थीटा माने तो ये होगा हमारा dE cos थीटा, छोटा कंपोनेंट, इसको हम लोग dE परपेंडिकुलर कर दें और इसको हम dE पैरेलल कर देते हैं जो कि dE sin थीटा के बराबर है। अब ध्यान दीजिए dE यानी फील्ड का डायरेक्शन हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, लेकिन सभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वाला जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन वाला वो तो सारे एलिमेंट्स का इधर ही होगा, इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट निकालेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और रिजल्ट याद रखेंगे
ध्यान दीजिएगा कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लाने हैं, एक इधर वाला कंपोनेंट, एक उधर वाला कंपोनेंट। क्लियर है हम लोग? तो हम लोगों को डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। चलिए ई परपेंडिकुलर निकालने जा रहे हैं, ये वाला। तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी का वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught लैम्डा dx by r square plus x square और into cos theta। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan theta बराबर कितना हो रहा है, तो जवाब है x by r। आप देख सकते हैं tan theta बराबर होगा x by r, तो x का बदले क्या लिख सकते हैं, r tan theta। तो dx कितना होगा, r sec square theta d theta। और वहां पे देखिए dx लिखा हुआ है, उस dx को हम इससे बदलते हैं, और ये नीचे में क्या लिखा हुआ है, r square plus x square कितने के बराबर होगा, तो r square plus x square के बराबर होगा, तो x square के बदले लिखेंगे r square tan square theta plus r square, वो हो जाएगा r square sec square theta। चलिए इसको पुट कर देते हैं। d cos theta का इंटीग्रेशन होगा 1/4 pi epsilon 0 lambda dx के बदले लिखिए r sec square theta d theta cos theta by r square sec square theta। तो ये कट गया, ये r यहां से एक कट गया, so d cos theta का इंटीग्रेशन आया lambda by 4 pi epsilon 0 r cos theta d theta। अब बताइए तो कौन नहीं जानता है cos theta d theta का इंटीग्रेशन करना। अब लिमिट भी भरना है, ध्यान दीजिए। इस एंड से यहां पे मिलाइए और यहां से मिलाइए, ये वाली जो एंगल होगी वो होगी थीटा 1 और ये वाली जो एंगल होगी उसको कहेंगे थीटा 2, तो यही लिमिट भर देंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2। इस केस में माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 जाएगा, हो सकता है कि दोनों थीटा एक तरफ हो, तो ऐसे में आप प्लस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 की ओर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि थीटा 1 से लेके थीटा 2, अभी हम अगर ये देख लें तो आप आंसर लिख देंगे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r और cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, सिर्फ sin थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस थीटा 1 से थीटा 2, आएगा लैम्डा बाय 4 pi epsilon 0 r sin theta 1 plus sin theta 2। याद रखिए कि आपको ये वाले को रटने की जरूरत नहीं है, असल में आपको यहां पे ध्यान देना है कि थीटा की लिमिट कैसे लेनी है। थीटा की लिमिट माइनस थीटा से प्लस थीटा तक हमने ली है, क्योंकि ये एक एंगल इधर है और एक एंगल उधर है, इसलिए ऐसा किया। तो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 4 pi epsilon 0 r sin theta 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों थीटा पॉजिटिव हो, अच्छा चलिए पहले यहां पे आ जाए, तो हमने e परपेंडिकुलर लिख दिया। उसी तरह से हम अगर इसको देखें, e पैरेलल निकालें, तो de साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, तो de का वैल्यू यहां से लेंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे, तो आएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये रहा, तो जिस तरह से वो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया उसी तरह से यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, और इस तरह से आप दो कंपोनेंट निकालेंगे। क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर चुका है, इसके हम लोग एक बार इसको साफ करके फिर से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तरीका ये होगा हमारा कि आप एलिमेंट ले लीजिए, इस एलिमेंट से d डिस्टेंस दूर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये है इधर थीटा 1, ये है इधर थीटा 2। और इधर की ओर e पर पैरेलल आ सकता है, वो होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1।
ये दोनों हो गए आपके दो कंपोनेंट। आइए हम लोग आगे बढ़े और जरा याद करने की कोशिश करें कि इन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से इनफिनाइट लेंथ वाले के लाइन चार्ज का फील्ड कितना होगा। इनफिनाइट लेंथ के लाइन चार्ज का फील्ड होगा, अब ठीक से ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगा ये थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़ते 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 जब ये इनफिनाइट हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो जब 90 हो जाएगा तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 यानी कि 2, इसलिए याद रखिएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और ई पैरेलल क्या होगा, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ब्रैकेट cos 90 माइनस cos 90 जीरो होगा, इसलिए आंसर जीरो होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन चार्ज इनफिनाइट साइज का हो जिसमें इधर भी इनफिनाइट तक गया हो उधर भी इनफिनाइट तक गया हो, तो ऐसे में d डिस्टेंस दूर फील्ड इधर की ओर होगा, वो होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 d, r लिख रहे थे हम लोग, और इधर कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर ये फिनाइट साइज का हुआ तो ये भी होगा और ये भी होगा, और आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को देखा कि हम लोग किस तरह से इनफिनाइट और फिनाइट दोनों प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन है, यहां पर एक रॉड है जिसकी लाइन, जिसकी डेंसिटी है लैम्डा, ये उधर इनफिनाइट है, लेकिन हम यहां पर डी डिस्टेंस दूर हम फील्ड जानना चाहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इस एंड पर, यहां पर एंड है और उधर बहुत दूर तक गया है, मतलब इनफिनाइट है, तो हम लोग यहां पे फील्ड जानना चाहते हैं, इसको कहते हैं सेमी इनफिनाइट। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इधर वाला थीटा तो 90 हो गया और इधर वाला थीटा 0 हो गया, ध्यान दीजिए, तो ये वाला फील्ड होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r sin 90 प्लस sin 0 यानी 1 प्लस 0 बराबर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर बाय। इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इधर 90 है इधर 0 है, तो लिखेंगे cos 90 माइनस cos 0, cos 90 हो गया 0 माइनस 1 तो हो गया माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, नेगेटिव में फील्ड है, यहां पे ध्यान दीजिए फिर से लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सेमी इनफिनाइट हो, यानी कि एक तरफ से वो इनफिनाइट पे गया हो और दूसरे तरफ से ये रुक गया हो, तो ऐसे हालत में दोनों एंगल हमने 90 और 0 लिख दिया और उसके हिसाब से हमने ये वाला कंपोनेंट निकाला और ये वाला कंपोनेंट निकाला, ये वाला दोनों, ये वाले कंपोनेंट को आप देखेंगे आप दोनों बराबर निकलेंगे, इसलिए आपका नेट फील्ड होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर रूट 2। आप जानते हैं कि जब दो फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में रूट 2 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेमी इनफिनाइट का फील्ड कैसे निकलेगा, इनफिनाइट का फील्ड कैसे निकलेगा, और वो कहीं भी हो जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री हो तो फील्ड कैसे निकलेगा, तो उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया। और आपको मेरी सलाह है कि जब आप फील्ड निकालें तो जरा चार्जेस का भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की ओर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी ओर जाएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन पे कंसंट्रेट कीजिएगा, हर बार गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनफिनाइट लाइन चार्ज का, फिनाइट लाइन चार्ज का, सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाला जाता है और फॉर्मूला कितना होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे एक नए एक्सरसाइज पे जो फिर पहले के जैसा पॉपुलर है, इस बार हम लोग आर्क पे जरा ध्यान दें। इस बार ये आर्क है हमारे पास, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है जिस पे हमने लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी ले लिया है,
और इस आर्क का जो एंगल है वो मान लीजिए कि पूरा एंगल थीटा है, पूरा एंगल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस चार्ज्ड आर्क का फील्ड उसके सेंटर पर कितना होगा। चलिए बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग इसको बीच से टुकड़े टुकड़े काट दें, तो इधर भी थीटा बाई टू हो गया, इधर भी थीटा बाई टू हो गया, दोनों साइड थीटा बाई टू हो गया। अब यहां से थीटा एंगल पे जाइए, मान लीजिए अल्फा एंगल पे जाते हैं, अल्फा एंगल पे जाइए और उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा मिलेगा एलिमेंट। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने तो लेंथ जो था वो लीनियर वाले में तो आपने dx लिया था और यहाँ वाले में ऐसे आप थीटा क्यों ले रहे हैं। तो भाई लीनियर वाले में तो स्ट्रिप dx लेंथ की होगी ना, लेकिन जब चीजें घूमेंगी तो उसका तरीका ये है कि हम dx ना लेके अल्फा पे d अल्फा लेते हैं। इसलिए ये जो साइज है यहाँ पर उसका फॉर्मूला होगा r d अल्फा लेंथ हो गया इसका, और इसका लेंथ r d अल्फा हो गया तो इसका छोटा सा चार्ज कितना हो गया लैम्डा r d अल्फा। ध्यान दीजिए वहां dx था, यहाँ पर r d अल्फा है। अब इस छोटे से एलिमेंट जिसका लेंथ r d अल्फा छोटा सा है और उसका चार्ज इतना है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा d कितना होगा। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला होगा 1/4πε0 लैम्डा r d अल्फा by r square। तो r r कट गया, क्या हुआ फॉर्मूला lambda d alpha by 4 pi epsilon not r। हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो d ही नहीं निकालना है क्योंकि हर एक एलिमेंट का d अलग अलग डायरेक्शन में होगा और इसलिए हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि d के दो कंपोनेंट ले लेंगे। इसको अगर हमने अल्फा बोला है तो ये अल्फा होगा और इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला कंपोनेंट आएगा d cos अल्फा और यहाँ पे आएगा d sin अल्फा। अब ध्यान दीजिए d cos अल्फा का फॉर्मूला होगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट निकलेगा। तो d का फॉर्मूला हो गया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos अल्फा और d अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इधर आधा लिया था उधर आधा था तो थीटा बाई टू और उधर भी थीटा बाई टू, इसलिए माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू इंटीग्रेट करेंगे आएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos अल्फा का हो जाएगा sin अल्फा। तो sin थीटा बाई टू माइनस माइनस sin थीटा बाई टू हो जाएगा 2 sin थीटा बाई टू। अब ये जो 2 है यहां से आप इसको काट सकते हैं, यानी आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r sin थीटा बाई टू और ये वाला कंपोनेंट जीरो आएगा, इसलिए क्योंकि आधा चार्ज इधर है और आधा चार्ज उधर है तो cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये चार्ज हमेशा जीरो, ये वाला डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। मान लीजिए कि आपके पास एक सेमी सर्किल है, ध्यान दीजिएगा सेमी सर्किल का मतलब ये 90 डिग्री सेमी सर्कुलर आर्क है, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक बाहर की ओर होगा और वो होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r sin थीटा बाय 2 sin, यहां थीटा कितना था, ये 180 डिग्री था ना, पूरा थीटा सेमी सर्किल का 180 होता है, तो sin 180/2 यानी कि 90, यानी होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये हो गया फील्ड किसका, सेमी सर्कुलर आर्क का। मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई नहीं सेमी सर्किल नहीं, आप क्वार्टर सर्किल का बताइए, तो ये हो गई क्वार्टर सर्किल हमारी 40, क्वार्टर सर्किल का मतलब है कि 90 डिग्री की एंगल, तो इसका फील्ड कैसे निकलेगा, ठीक बीच से इधर की ओर आएगा, कितना होगा तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r sin थीटा बाय 2, थीटा 90 डिग्री है तो sin 90/2 यानी कि sin 45, यानी कि होगा sin 45 1 by root 2 होता है lambda by 2 root 2 pi epsilon 0 r। यहाँ फिर ठीक बाहर की ओर, अगर ये negative charge होता मान लीजिए तो कुछ नहीं अंतर होता, सिर्फ ये वाला जो घूम के इधर की ओर हो जाता और कोई अंतर नहीं आता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी एंगल वाले आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा चीज है, जैसे अगर हम कहें कि फुल सर्किल जो है
फुल रिंग है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके अंदर में सेंटर पर फील्ड थी। तो देखिए ये था 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये पूरा पूरा 360 डिग्री पड़ेगा। तो 360 डिग्री के हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r sin 180 डिग्री। लेकिन sin 180 डिग्री तो 0 होता है, इसलिए यहां आंसर 0 होगा। तो याद रखिएगा पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लीनियर चार्ज यानी कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाला जाए, क्या स्टेप्स लिए जाए, अगर इनफिनाइट है तो क्या किया जाए, अगर सेमी इनफिनाइट है तो क्या किया जाए, अगर दोनों ही नहीं है, दोनों तरफ से फिनाइट है, तो कौन से फॉर्मूले लेने हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये आर्क लिया, आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, फिर उस फॉर्मूले के आधार पर हम लोगों ने सेमी सर्किल का, क्वार्टर सर्किल का, फुल सर्किल का, ये सब जो है ये निकाल करके हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो कि कई बार आ चुका है एग्जामिनेशंस में, और एनसीईआरटी की जो किताब है वो भी इस बात की चर्चा करती है कि आप उसको एक बार देख लें। हम लोगों ने यह देखा कि अगर कोई चार्ज रिंग हो तो उस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये कोई बहुत खास बात तो नहीं है, ये समझना कोई बहुत विशेष चीज नहीं है। ध्यान दीजिए कि अगर हम इस रिंग को देखें तो यहां पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहां पर ठीक अपोजिट में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम देखें कि हर एक एलिमेंट जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके अगेंस्ट एक और एलिमेंट है जो उधर अपोजिट में बनाता है, और इसलिए ये ओवरऑल मिला करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन क्या एक्सिस पर भी जीरो होता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो अगला जो हम लोगों का डेरिवेशन है वो यही है कि हम किस तरह से इस रिंग जो कि इस पे चार्ज q है और इसका रेडियस r है, से x डिस्टेंस दूर फील्ड निकालें। ध्यान दीजिएगा, फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग एट एक्सिस पर निकालना। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम लोग इसको देखें। तो ये सबसे पहले यहां पर हम एक एलिमेंट चुन लेते हैं। ये जो हमने एलिमेंट चुना, ये छोटा सा एलिमेंट है, इस पे लगने वाला चार्ज कितना होगा, डीक्यू। हमने डीक्यू चुना। जैसे हमने डीक्यू चुना तो डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर डीई। डीई कितना होगा, तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 डीक्यू बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, सो वी कैन से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? आपको पहले बताया था हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हम डी के दो कंपोनेंट ले लेंगे। इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये होगा डी कॉस थीटा और ये होगा डी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो रिंग है ये चारों तरफ से है, एक पूरे प्लेन में है, इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये पूरे के लिए कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं ना, अगर यहां पर एलिमेंट है और इसका जो ये वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है इसका नीचे की ओर है, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका ये d sin theta कंपोनेंट ऊपर होगा। तो उसी तरह से हर एक कंपोनेंट को, कोई ना कोई कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगा, इसलिए ये वाला कंपोनेंट हमारा पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए, तो लिख सकते हैं हम इसको d cos theta का इंटीग्रेशन बराबर 1 by 4 pi epsilon naught dq r square plus x square cos theta। r square plus x square का वैल्यू सेम है हमेशा, ठीक से देख लीजिए, r square
फिक्स है, x स्क्वायर फिक्स है, तो ये वाला भी फिक्स ही होगा, इसलिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़े और लिखे थीटा भी कांस्टेंट है, सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ डी क्यू को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस जगह पर। इसलिए आप लिख सकते हैं कि डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत से बहुत आप कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू यहां से उठा के लाइए होगा x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे रूट, और इसलिए हम लोग इसको ओवरऑल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सियल डायरेक्शन में होगा, वो होगा q x बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। इस डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा हमेशा 1 by 4 pi epsilon 0 q x by r square plus x square to the power 3 by 2। तो याद रखिएगा कि अगर एक रिंग हो हमारे पास तो उस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे तो जीरो होगा, लेकिन उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर ये वैल्यू होगा। आप देख सकते हैं उतना भी भारी नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस फॉर्मूले को अगर हम लोग एक्सट्रापोलेट करें, इसको जरा सा फैलाएं, तो E के फॉर्मूले पे गौर कीजिएगा 1 by 4 pi epsilon 0 q x by r square plus x square to the power 3 फॉर्मूले पे गौर कीजिएगा। जब सेंटर है तो x का वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब सेंटर है तो x का वैल्यू 0 है, तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो e का वैल्यू 0 होगा। हम लोग जानते भी हैं कि सेंटर पर e का वैल्यू 0 होगा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम इस सोर्स से इनफिनाइट दूर चले जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो जब x का वैल्यू इनफिनाइट होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया कि यहां पर नजदीक में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है, हम लोग ये देखना पड़ेगा। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किधर है। आप जानते हैं 11th क्लास के कैलकुलस से कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और उस डिफरेंशिएशन उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है उसको जीरो कर देते हैं। तो यहां भी हम लोग dE by dx को जीरो कर देंगे तो मिल जाएगा। तो dE by dx के लिए ध्यान दीजिए q by 4 pi epsilon 0 और यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे r square plus x square to the power minus 3 by 2 का d by dx, इसको जीरो करके दिखाएंगे और आंसर होगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो में चला गया। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ये गुने ये है, तो जब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको आप लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, होगा माइनस थ्री बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन यानी कि माइनस फाइव बाई टू इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस, अब पहले x को हमने लिख लिया था, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसको लिखने जा रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये सब मिला के कितना होगा 0। अगर आप इसको देखें थोड़ा सा फैला के तो ये 2 2 यहां पे कट गया तो माइनस 3x स्क्वायर, देखिए माइनस 3x स्क्वायर, और इसको जरा ठीक से लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए r square plus x square to the power 5 by 2 plus इसको लिख लीजिए 1 by r square plus x square to the power 3 by 2 बराबर 0। इस माइनस को अगर यहां से उठा के ले जाएंगे तो आपको यहां पे बाय साइन बना दिया हम लोगों ने। अब इसको देखें अगर हम यहां से इसको काट दें तो यहां पर r square plus x square बचेगा
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 था, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 था, इसको इससे काटेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी x बराबर r बाय रूट 2। हम लोगों ने सीखा कि इस लोकेशन पर फील्ड मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर हमारे पास एक रिंग हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, तो इस रिंग के रेडियस r अगर हो तो x इक्वल टू r बाय रूट 2 पर फील्ड मैक्सिमम होगा। इधर भी फील्ड घटेगा, इधर भी फील्ड घटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और x के साथ ये ग्राफ दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये x इक्वल टू r बाय रूट 2 है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम है, 0 x इक्वल टू 0 पर भी फील्ड 0 है, x इक्वल टू इनफिनिट पर भी फील्ड 0 है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चीज सीखी कि किस तरह से एक रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का फील्ड निकाला जाए, उस फील्ड का वैल्यू सेंटर पर कितना होता है, इनफिनाइट पर कितना होता है, और तब हम लोगों ने यह सीखा कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर फील्ड कहाँ मैक्सिमम होता है। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवालों में बहुत ज्यादा आती है। चलिए हम लोग एक छोटा सा सवाल करेंगे और तब हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। छोटा सा सवाल, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जब भी हम लोग कोई सवाल चुनते हैं तो हम लोग सामान्यतः 11th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है जो जिसके ऊपर चार्ज q है, इसका रेडियस r है। क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पर एक छोटा सा माइनस q चार्ज है, मेरा सवाल ये है इस चार्ज का मास m है, सेंटर वाले का, ये वाला फिक्स है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा खिसका दूं एक्सिस की ओर तो क्या होगा, क्या ये दूर भाग जाएगा, क्या ये वापस आ जाएगा, अगर ये वापस आ जाएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वगैरह वगैरह, मतलब कुछ चीजें आप डिस्कस करेंगे सब चीजें। तो चलिए यहाँ पे आते हैं जरा सा। आपने देखा कि यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, तो इस लोकेशन पर यहाँ पे देखें, सेंटर पर इस जगह पर इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, तो जीरो। यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर फील्ड जीरो होने की वजह से यहां रखे गए माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, चलिए हम लोग एक्स डिस्टेंस पे रख देते हैं। हमने इस माइनस क्यू को कहां खिसका दिया, यहां। अब हमको ये बताइए कि इस रिंग और इसके बीच कितना फोर्स है और किधर की ओर है। तो हम लोग देखते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होना चाहिए, कितना फोर्स होगा। तो हम लोग इस रिंग का फील्ड लिखते हैं इस लोकेशन पे, आइए तो फील्ड किधर की ओर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की ओर होगा, कितना होगा। अभी भी बताया था ना रिंग का फील्ड कितना होता है, तो रिंग का फील्ड होता है q by 4 pi epsilon 0 x by r square plus x square to the power 3/2। ये रिंग का फील्ड। और जब इस चीज को हम देखते हैं x का वैल्यू बहुत छोटा है, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हो तो आप इसको करीब करीब लिख सकते हैं qx by 4 pi epsilon 0। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो r स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम r स्क्वायर ही छोड़ देंगे और उस पे पावर 3/2 कर देंगे तो r क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये निगेटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स बराबर क्यू ई है, तो फोर्स होगा क्यू
qx by 4 pi epsilon 0 r cube. ये force किधर की ओर होगा? तो चूंकि ये charge negative है और field उधर है, इसलिए लगने वाला force इधर की ओर होगा. अब ध्यान दें आप इस चीज को. हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर क्या स्थिति है भाई? तो यहाँ पर force 0 है. हमने थोड़ा सा displace किया और थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ही पता चला कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतना फोर्स होगा, तो फोर्स इधर आ रहा है. इसका मतलब है कि जब हम इसको दाहिने डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स बाएं आ रहा है. याद रखिए कि अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल हो, जो पार्टिकल नंबर वन, कंडीशन याद रखिए, 11th क्लास का कांसेप्ट है, आपको याद रखना है. नंबर वन, सबसे पहले पार्टिकल को एक इक्विलिब्रियम पोजिशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इसके बाद उस पार्टिकल को थोड़ा सा खिसका दीजिए. अगर हमने इस पार्टिकल को थोड़ा खिसकाया, तो जैसे ही थोड़ा सा खिसकाया तो अब उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा. तो निश्चित रूप से जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिसकाएंगे तो थोड़ा सा खिसकाएंगे तो अब तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब थोड़ा सा फोर्स लग जाएगा. अगर ये फोर्स, इफ दिस फोर्स इज पुलिंग इट बैक, अगर ये फोर्स वापस ला रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑसिलेशन होगा. तो जब आप किसी चीज को दाहिने पुश करते हैं और तब उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है वापस आने की, तो इसी को तो ऑसिलेशन कहते हैं. हमने दाएं डिस्प्लेस किया तो फोर्स बाएं ला रहा है, हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर ला रहा है. इसका मतलब ये चीज ऑसिलेट करेगी. तो यहाँ पर ऑसिलेशन होगा. सबसे पहले हम ये कह दें कि ऑसिलेशन होगा, श्योर हो गया, क्योंकि जब हम दाहिने साइड डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स बाएं साइड आता है. ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स होगा, तो फोर्स कितना निकला? ये इतना निकला. ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को वापस लाता है, तो वापस लाने वाले फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. तो क्या ये फोर्स रिस्टोरिंग है? जवाब है हाँ, ये फोर्स रिस्टोरिंग है, क्योंकि ये फोर्स उसको वापस लाता है. तो चलिए, जब रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया तो हम रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकाल देते हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें मास से भाग लगा देंगे, क्यू क्यू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब m. ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये भी रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन. अब आइए आगे बढ़े. ध्यान दीजिए कि SHM जब हमने पढ़ा था, SHM जब पढ़ा था हमने, तो SHM में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये माइनस का साइन क्या था? ये माइनस ये था कि एक्सेलरेशन और एक्स का डायरेक्शन आपस में उल्टा होगा, मतलब एक्स उधर होगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा. यहाँ भी तो वही हाल है, यहाँ पे भी हमने देखा एक्स उधर है तो एक्सेलरेशन इधर है. तो हम इस माइनस को फिलहाल भूल जाए, क्योंकि डायरेक्शन वाला मामला तो सेटल हो चुका है. एक्सेलरेशन जो है इधर है और x उधर है, तो ये रहा एक्सेलरेशन. अब ये जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ये निश्चित रूप से इतना होगा. देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 mr क्यूब. ये ओमेगा, ओमेगा कितना होता है तो जानते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर है तो ये रूट कर दिया, ओमेगा मिल गया. और टी का वैल्यू आप जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा होता है, इसलिए टी का वैल्यू होगा 2 पाई बाय दिस, यानी टी का वैल्यू होगा 2 पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन 0 mr क्यूब बाय क्यू क्यू. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि ये चार्ज निगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव है तब क्या होता? ध्यान दीजिए कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो ये फोर्स इधर ना होकर उधर होता. अब x डिस्टेंस आपने खिसकाया और इसके बाद फिर फोर्स उधर ही लग रहा है, तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा. ऐसे केस में ऑसिलेशन नहीं होगा. तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न चुना जिसमें कि रिंग के फील्ड का इस्तेमाल किया गया था. रिंग का फील्ड कहाँ मैक्सिमम होता है, कैसे पता लगाया जाए, इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा कि लाइन चार्ज का फील्ड कैसे निकालते हैं, आर्क का फील्ड कैसे निकालते हैं, रिंग के सेंटर पर फील्ड कैसे निकालते हैं, रिंग के एक्सिस पर फील्ड कैसे निकालते हैं, रिंग के एक्सिस पर फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है. और फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा. तो बहुत तरह की चीजें आ रही हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड को निकालते समय. तो मेरे ख्याल से अब हम लोग एक सामान्य तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ चुके हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं. तब तक आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए. अगले वीडियो में हम लोग फील्ड और पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे. थैंक यू.